वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम कैसे इंस्टॉल करें जो कि पोको M2 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको M2 Pro और आप यहाँ पे MI वेब वर्जन देख सकते हो 12.0.1.0 एंड्रॉइड 10 मिल जाता है 1 सितंबर का। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो ये अपडेट के ऊपर अगर आप यहाँ पे कस्टम रॉम इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, अपने डिवाइस का आपको बूट लोडर अनलॉक कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मेरे डिवाइस का मैं बूट लोडर अनलॉक कर चुका हूँ। तो बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर भी ऑलरेडी यहाँ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो को जाके देख के आप भी अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल कर लेना है, जो कि यहाँ पे कस्टम रिकवरी रहता है। उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना है अपने डिवाइस का, जो कि इस मेथड में यहाँ पे डेटा इरेज होता है। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में बूट करना है। तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है, वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे बूट होगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ रिकवरी है वो, और उससे कस्टम रॉम इंस्टॉल करने टाइम पे यहाँ पे कोई भी मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि होल्ड कर लेना है वॉल्यूम अप बटन को और यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। अगर आपके पास SD कार्ड है तो आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके पास OTG है तो आप OTG भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास OTG है तो यहाँ पे मैं OTG यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे मैं कस्टम रॉम कॉपी किया हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है वाइप में, उसके बाद डालवे कैश डेटा इंटरनल स्टोरेज सभी को यहाँ पे वाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम प्रेस करना है और यहाँ पे जो है आपको OTG प्लगइन कर लेना है, प्लगइन कर लीजिए। उसके बाद होम प्रेस करना है और यहाँ पे आपको स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है, जो कि OTG यहाँ पे OTG नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको एक बार रीबूट कर लेना है, जो कि रीबूट रिकवरी। तो यहाँ पे एक बार रीबूट होगा, उसके बाद जो यहाँ पे रिकवरी में आएगा तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है रिकवरी में। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टोरेज सेलेक्ट कर लेना है OTG और यहाँ पे आपको M2 Pro देख सकते हो इसको जो है यहाँ पे फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रोम फ्लैश हो रहा है। तो आपको यहाँ पे फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। और उसके बाद अगर ये रोम जो है जी एप्स के साथ नहीं है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है रोम है जी एप्स के साथ नहीं है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे जी एप्स को भी फ्लैश कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले रोम को फ्लैश कर लेता हूँ, उसके बाद जी एप्स को यहाँ पे फ्लैश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रोम फ्लैश होने तक वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो रोम फ्लैश हो चुका है। उसके बाद होम प्रेस करना है और यहाँ पे आपको बैक आना है और यहाँ पे आप जी एप्स देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कौन सा भी जी एप्स यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे गूगल जी एप्स, उसके बाद नाइक जी एप्स, उसके बाद जो है फ्लैम जी एप्स, यहाँ पे आपको सभी मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं नाइक जी एप्स यूज़ कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 11 का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 और इसको फ्लैश कर लेना है और यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का रोम है तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का ही यूज़ कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है, जो कि इतने सारे एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, जो कि जी एप्स में। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे बूट होगा और यहाँ पे आपको बूट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप OTG को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आप OTG यूज़ कर लो, जो कि आपका इंटरनल स्टोरेज तो यहाँ पे वाइप होता है। अगर आपके पास SD कार्ड है तो आप SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे SD कार्ड में कॉपी करके रखो और उसके बाद जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टोरेज, उसके बाद बेशक आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बूट होने तक वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस बूट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे रोम इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे मोर में जाना है। यहाँ पे आपको जो है मैनेज पार्टीशन डेटा और यहाँ पे आपको फॉर्मेट डेटा कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट हो चुका है डेटा। तो उसके बाद सिस्टम रिबूट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइस बूट होने तक वेट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो रॉम जो है बूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप बेशक जो है सेफ मेथड से यहाँ पे आप कस्टम रॉम इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि पोको M2 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।